मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते? वो आईएएस आईपीएस नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा, क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते मैंने बजरंग बली की पूजा? अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। तो सुना आपने विधायक जी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, किस तरह से हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आपने ना तो किसी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के अकाउंट पर देखी होगी, ना ही उसके फॉलोअर्स के, और ना ही हिंदूवादी संगठनों के किसी अकाउंट पर इस वीडियो को आपने देखा होगा, और इसके साथ ही ना ही किसी के जरिए ये बात कही जा रही है कि ऐसे लोगों का बाइकॉट किया जाए, इनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इस तरह का बयान दिया है, इसलिए दोहरा रवैया ना सिर्फ मीडिया बल्कि हिंदूवादी संगठन के वो लोग जो जरा से बयान पर भी जिस तरह से आफत मचाते हैं, मकानों पर हमला कर दिया जाता है अगर उनका ताल्लुक मुसलमानों से हो या ईसाइयों से, ईसाई धर्म के लोगों से हो, तो जिस तरह का हंगामा मचाया जाता है उसके दर्जनों वाकयात, दर्जनों मामले आपको मिल सकते हैं। लेकिन खुला जिस तरह से देवी देवताओं का अपमान इस विधायक के जरिए किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का है, बिहार से इनका ताल्लुक है, और ये पहली बार नहीं है बल्कि कई बार इस तरह के बयानात इनके जरिए दिए जा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दोहरा मियार मीडिया का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें चाहे वो प्रिंट मीडिया की, इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताएगा, इस पर डिस्कशन नहीं होगा, इस पर डिबेट नहीं की जाएगी, क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, कौन है ये सज्जन, आइए मैं आपको बताता हूं। बिहार के पीतपैनी से विधायक लल्लन पासवान अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। दिवाली के मौके पर उनसे मां लक्ष्मी पूजा के बारे में पूछा गया तो जवाब कुछ यूं था। उन्होंने कहा कि क्या जो लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते वो धनवान नहीं है। अपने जवाब को और विस्तार देते हुए कहा है कि आप देखिए, दिवाली आने वाली है, सवाल यह है कि मुस्लिम समाज के लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, क्या वो धनवान नहीं है? सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, लेकिन क्या वे लोग आईएएस आईपीएस नहीं बनते? वे लोग जो हनुमान की पूजा नहीं करते हैं वो लोग शक्तिशाली नहीं है? अब उनके इस बयान पर लोगों ने विरोध जताते हुए भागलपुर के शेरमाड़ी बाजार में पुतला फूंका है। अगर हमें केवल देवी लक्ष्मी की पूजा करने के धन मिलता है तो मुसलमानों के अरबपति और खरबपति नहीं होते। मुसलमान देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, क्या वे अमीर नहीं हैं? मुसलमान सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या मुसलमानों में कोई विद्वान नहीं है? क्या वे आईएएस या आईपीएस नहीं बनते? उन्होंने कहा है कि आत्मा और परमात्मा की अवधारणा सिर्फ लोगों की मान्यता है। उन्होंने कहा, यदि आप मानते हैं तो ये एक देवी हैं, और यदि नहीं तो ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। ये हम पर निर्भर है कि हम देवी देवताओं को मानते हैं या नहीं, हमें वैज्ञानिक आधार पर सोचना होगा। तार्किक निष्कर्ष यदि आप विश्वास करना बंद कर देते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी।
ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली शक्ति वाले देवता हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। मुसलमान या ईसाई बजरंगबली की पूजा नहीं करते हैं। क्या वे शक्तिशाली नहीं हैं? जिस दिन आप विश्वास करना बंद कर देंगे ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। विधायक इतने पर ही चुप नहीं हुए। वे बोले, ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली ताकत के देवता हैं, लेकिन मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग बजरंगबली की पूजा नहीं करते हैं। अमेरिका में बजरंगबली की पूजा नहीं होती है तो क्या अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है? सब कुछ मानने पर है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जैसे जैसे मानता छोड़ दे देंगे वैसे ही वो खत्म हो जाएगा। इसलिए तर्क की शक्ति के आधार पर सोचना होगा। विधायक के बयान के बाद लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने भागलपुर के शेरवाणी चौक पर विधायक का पुतला फूंका। साथ ही विधायक पर हिंदुओं की धार्मिक भावना का आहत करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन करने वालों ने धरना भी दिया। विधायक ने कहा, लोग पहले भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए उनके विरोध का कोई मतलब नहीं है। अगर लोगों में दम है तो तर्क के साथ बात करें। बिना किसी वजह से विरोध करना केवल विवाद खड़ा करना है। भाजपा विधायक ललन पासवान ने अपनी माता कुलेश्वरी देवी की मृत्यु के बाद होने वाले मृत्यु भोज का बहिष्कार किया था। विधायक पासवान ने इसे सामाजिक कुप्रथा बताते हुए भोज देने से इनकार किया। विधायक ने बताया कि पूरा मामला मृत्यु भोज को लेकर है। मृत्यु भोज का बहिष्कार करने के कारण मेरा विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने विधायक ललन पासवान को नास्तिक बताया है। उन्होंने कहा है, मैंने उनके इस बयान को अभी सुना नहीं है, लेकिन अगर सच में उन्होंने मां लक्ष्मी सरस्वती और हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा है तो यह बयान कोई नास्तिक व्यक्ति ही दे सकता है। भागलपुर से ही भोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि देवी देवताओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई है ये ठीक बात नहीं है। हम लोग हिंदू हैं तो धन के लिए मां लक्ष्मी को मानते हैं, ठीक उस तरह मुसलमानों के देवता भी होते हैं, वे लोग अपने देवताओं की पूजा करते हैं। ललन पासवान नए नए विधायक बनकर आए हैं, हमारे सामने अभी बहुत जूनियर हैं, उनको ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती। लेकिन यहाँ पर मैं इन विधायक जी को सही करना चाहूँगा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश, किसी और की पूजा नहीं करते, किसी और के आगे सर नहीं झुकाते। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नाम मुसलमानों के यहाँ भगवान के तौर पर या ईश्वर के तौर पर नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर सदर विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि उनको समझना चाहिए कि उनकी पार्टी भाजपा मंदिर के नाम पर चुनाव जीतती है, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव में लोगों को बांटने का काम करती है। ऐसे में बीजेपी विधायक को इस तरह धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देना नहीं चाहिए था। हम हिंदू हैं, हम विद्या के लिए माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं, ताकत के लिए हनुमान जी भी हैं। मैं भगवान के आशीर्वाद से ही इतने आगे बढ़ पाया हूँ। तो आपने देखा किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस खबर को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा रही क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से, सिटिंग विधायक से जुड़ा हुआ है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप पेवीडी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।